वालेकुम सलाम। देखे उठाए जी, अंडे उठाओ यार फटाफट ले जी। हाँ जी, अबे यार और ये कितना भाई, पहले ही अंडे के ऊपर ही बैठा था, अब थोड़ा सा थक गया। अच्छा यार, ये देखें भाई ने भी टोकरी भर ली। अंडे लेके उसकी आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो पट्टी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एज यूजुअल हम लोग शुतुरमुर्ग के फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी आए हुए हैं। तो आपको पहले हम अपने प्यारे दोस्त से मिलवाते हैं, फिर आपको शुतुरमुर्ग का शुगल मुगल दिखाते हैं। तो हसन भाई माशाल्लाह। वालेकुम सलाम हसन भाई, आज आप माशाल्लाह फिर से हमारे पास आए हैं, बड़ी खुशी हुई है। ये देखिए जी, हसन भाई आए हुए हैं आज फिर हम लोगों ने अंडे उठाने हैं। यहाँ से अंडे पड़े हुए हैं और उस दिन भी मैं उठाए हैं, बड़ा मजा आया था। लेकिन शकील भाई ने इनको चीटिंग की है हमारे साथ, इन्होंने डंडा लेके पहले सारे ऑफिस को डरा दिया, फिर भगवान बने अंदर जाके। अब ये हमें भी डराएंगे, अंदर चलेंगे ना, फिर देखेगा शुगर जो लगेगा। हाँ शकील भाई, डंडा लेके इस तरह करके दिखाएंगे ना, मुझे भगवान का पता चल जाएगा। चले अंदर चल के अभी दिखाते हैं, पहले खाना डाल लें इनको, फिर अंदर चलते हैं और इनको इनके अंडे उठाते हैं। आज तो काफी ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं, तो अभी खाना डाल के फिर अंदर चलते हैं। ओ हो यार, कितनी खतरनाक है शकील भाई। शकील भाई भैया, भाई मुझे बचाओ यार। यार ये सिर्फ पंजा मारेगी, पंजे के लिए ये कर रही है, मुंह से कुछ नहीं कह सकती यार। कमा वो देखे शकील भाई, ये अभी बड़ी फुल फुल खतरनाक बनी हुई है, फुल मारने के मूड में है ये। शकील भाई ओए शकील भाई, तुसी ओ सारे भाग। हसन भाई यार, वो बड़ा खतरनाक है, आगे भी हम लोग एक दिन छुपे हैं। शकील भाई केड़ा डंडा फड़िया होया, तुसी दिखाओ जरा। यार अभी वो शुतुरमुर्ग उधर गए हैं, कुछ उधर गए हैं, तो अभी शकील भाई मेरा मोबाइल है, ये मैंने इधर रख दिया खाने वाले बर्तन में, आप जाना मेरा इधर से उधर आने का। देखे शकील भैया, ओ ये देखे भागते हुए इधर से आएंगे, ये देखे इस तरफ से, वो देखे शकील भाई फुल फुल मौज में है। शकील भाई चले जी, मैं भी अंदर जा रहा हूँ थोड़ा सा। ले जी थोड़ा सा मैं, हाँ जी हसन भाई अंदर जाऊँ मैं कि नहीं? ये देखे जी, ये देखे जी, ये देखे, ये आ रहे हैं ये, ये देखे। यार मुझे तो डर लगता है शकील भाई अंदर। हसन भाई पूछ रहे अंडे किधर दिए हुए हैं? अंडे मैं अभी देख के हैं, उस तरफ पड़े भाई, अंडे मैंने अभी देखे हैं उस तरफ पड़े हैं। अगर चारा डाल दिया तो फिर इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने देना, कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाएंगे। खैर अच्छा, हाँ चारे में लगा के जाएंगे। आज बाहर आप अंडे कलेक्ट करते हैं जी। तो उस चीज को आपने देखा जी दोस्तों, ये फीड तैयार हो रही है, ये हीरो कर रहा है फीड तैयार, और ये जी शुतुरमुर्ग भी पास आ गए। अब इनको खाना डालते हैं, फिर अंडे कलेक्ट करते हैं ताकि ये ध्याने लग जाए एक तरफ, फिर अंदर जाके आराम से अंडे कलेक्ट करेंगे। इन्होंने दिए हुए उस तरफ और अभी जाके फिर उठाते हैं अंडे। ये जी शकील भाई खाना डाल रहे हैं, खाना डालने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जा के अंडे उठा के लाएंगे। ये देखे खाना खाने के लिए आ गए ये, और जैसे ही खाना खाने लगेंगे तो फिर हम पीछे से अंदर जाएंगे इधर से और जा के अंडे उठा लेंगे। हाँ जी शकील भाई, ये जी शकील भाई अब जो ये डालने लगे हैं इसकी वजह से सारे परिंदे आएंगे हमारे पास,
ये अब खाने के लिए देखे आने लगे हैं। ये देखे चूड़ी खाने कोई नहीं है, फीड के जैसे छोटे रहे ये देखे फीड खाने के लिए आ गए हैं और तूड़ी खाली नहीं खाते अभी, कुछ चीज़ें और भी हैं वो नहीं डाल रहे, लूसन हो गया ये वो। तो ये देखे फिर भाई एक मिनट भाया जे, ये देखे हाथ से भी खिलाने की इनको करते हैं। ये देखे अबे यार ये देखे दोस्तों ये हमला पूरा हमला करते हैं जी, ये टिकने भी नहीं देते यार। अभी खाने का टाइम है इनका, देखें अभी चलते हैं जी, अंडे उठाते हैं छुप छुप के। हाँ चलें जी अंडे लेने चले। ये देखें खाना खाने का इनका स्टाइल चेक करो यार, फुल भूखे हुए थे इसलिए अग्रेसिव हो रहे थे, हम लोग जब अंदर गए हैं तो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो चले अब ना अंडे उठाने का टाइम, आपको भी नहीं वेट करवाते हो, चलते हैं शकील भाई के साथ अंदर चलते हैं, हसन भाई के साथ अंदर चलते हैं और अंडे उठाते हैं। भाई ये देखिए हमें इस तरफ एक थोड़ा सा रखा हुआ है दीवार के ऊपर ताकि गुजर के जहाँ आराम से अंडे कलेक्ट करने हैं वहाँ से हमने ध्यान से उतरना, ध्यान से उतरना। कभी अंडों का हासे का नवासा निकलेगा, हासे का नवासा आज हम अंडे उठाएंगे वो दूर है, जैसी हमारे खून निकल तू अंदर ऑस्ट्रिच बैठा हुआ है यार, अंदर एक ऑस्ट्रिच अंडों के पास बैठा हुआ है, अंदर एक ऑस्ट्रिच अंडों के पास बैठा हुआ है चेयर कर रहा है। अच्छा बड़ा आराम से आपके साथ इजीली अटैच हो जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं, हम जाके आराम से जाते हैं अंदर, वहाँ जाके हम अंडे लेके आते हैं। जी हसन भाई अंडे उठाए, हमने बड़े रिस्क में जान डाल के अंडे उठाए थे, लेकिन इस बार बड़े आराम से उठाएंगे माशाल्लाह। हसन भाई पहले ही अंडे के ऊपर बैठा था, आप थोड़ा सा थक गया होगा, साइड पे बैठ गया होगा, यार देखे वो भी अंडा पड़ा हुआ है, वो भी अंडा पड़ा हुआ है, और ये हसन भाई उठा रहे हैं अंडे, साथ शकील भाई उठा रहे हैं अंडे, ये इसके नीचे भी अंडे हैं, ये टेम्ड बर्ड है, और अभी और भी बाकी वो खाने के ध्याने लगे हुए हैं इस तरफ, इसलिए हम लोग इस पीछे से आए हैं ताकि अंडे उठा सकें, और शकील भाई और हसन भाई अंडे उठा रहे हैं। अच्छा यार कुछ अंडे ये भी पड़े हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किए हुए हैं, और कुछ अंडे ये पड़े हुए, ये पड़ा हुआ एक, वो पड़ा हुआ, हसन भाई उठा रहे हैं, और कुछ इसके नीचे भी थे मगर अब निकल आए हैं ये। ले जी फुल अटैक मूड में है, हाँ ये जो फुल मारने के मूड में है, ये देखे मैंने भी कुर्सी उठाई हुई है, और हसन भाई मुकाबले के लिए खड़ा हुआ, ये भाग नहीं रहा क्योंकि हम यहाँ पे अंडे कलेक्ट करने के लिए आए हैं, हाँ और ये अपने अंडे बचाने के लिए। अच्छा वो देखे वो अंडे पड़े हुए हैं, हम जो कलेक्ट करने के लिए आए हैं ना ये पड़े हुए हैं, और अब हम वापस जाने के लिए जा रहे थे तो ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए डंडे शंडे पकड़े हुए हैं। अच्छा यार माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं शुतुरमुर्ग ने, एक बड़ा अच्छा टेम बर्ड है ये, इसके पास पड़े हुए, तो अभी उसके पास बैठ के अंडे उठाते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये देखे ये माशाल्लाह बड़ा टेम है, ये देखे ऐसे प्यार से बैठा हुआ है, और ये पास अंडे हैं, ट्रे मैंने ले आया, ट्रे हम ले आए थे और इसमें अंडे रखेंगे, उठाएँ जी अंडे उठाओ यार फटाफट। ये देखे जी इसकी बड़ा टेम बर्ड है ये, चलो जी अंडे उठा के अब चलते हैं। अच्छा यार ये देखें शकील भाई ने भी टोकरी भर ली अंडों से, और ये देखें मैंने भी तीन कलेक्ट किए, मैं जरा पीछे पीछे ही रह रहा हूँ ताकि अभी भाई इसको हम लेके जाएंगे, ये 18 से 22 के टेम्परेचर तक इनक्यूबेटर में हम इसको रखेंगे अभी, और फिर हम इनक्यूबेटर में लेके जाएंगे, अभी फ्रीजर में रखेंगे फिर इनक्यूबेटर में लेके जाएंगे। हाँ जी वहाँ हमने गर्मी से ठंडे में वहाँ हमने टेम्परेचर इसका मेंटेन किया हुआ ना, ये ऑटो सिस्टम में जो गेट होंगे। अच्छा ये देखो यार ये भी जाकर फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद फिर ये उठा, उसके बाद ये फिर उठा के मशीन में रखेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन। चले जी अंडे उठाते हैं और लेके चलते हैं फ्रीजर में। अभी ये देखें मैंने भी उठाए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से एक हैंड से उठाए हुए हैं, और ये देखें दोस्तों ये देखें ये ज़रा फुली मूड में, मैं जल्दी जल्दी निकलूँ, मुझे तो भाई डर लगता है इनसे। ले जी अंडे लेके आ गए हम लोग, अभी फ्रीजर में रखते हैं इनको। शकील भाई अंडे लेके ऑस्ट्रिच के आ गए, अभी हम अंदर जाकर रखते हैं इसको टेम्परेचर पे, और
टेम्परेचर में जो कल के अंडे लगे हुए हैं वो माँ बाप को दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम एक बैग की शक्ल में 3 से 4 दिन के बाद हम इनक्यूबेटर में रखेंगे, जबकि 25 से 30 अंडे हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला एक बैच निकलेगा, वहाँ बच्चे निकलेंगे और सभी को सेल करेंगे इंशाल्लाह ताला, गिफ्ट भी करेंगे।